हेलो नमस्कार दोस्तों, 5 फरवरी 2018 की द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स है वो डिस्कस करेंगे, इसी के साथ कुछ मेंस का एक दो क्वेश्चन है वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो चलिए देखते हैं आज आपको कौन सा मेंस का क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करना है आंसर राइटिंग के लिए। तो आज का जो क्वेश्चन है वो मेनली आया है आज़ादी के बाद जो भारत मतलब भारतीय विभाजन हुआ था उसके बाद भारत की जो प्रॉब्लम्स थी उनका उन प्रॉब्लम्स का समाधान करने के लिए जो एनजीओ वगैरह आए थे या जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट थे उनका क्या योगदान रहा था। तो आपको ये बताना है कि एनजीओ और जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट थे उनका क्या रोल रहा था हमारी आज़ादी के बाद इंडिया की हेल्प करने के लिए, इंडिया के जो हालात से उनसे उभरने के लिए। तो वो आपको यहाँ पे बताने क्वेश्चन है, वो आपको 250 वर्ड में अटेम्प्ट करना है और यह मेनली जीएस 2 के लिए हमारे लिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, वहाँ पर इसका डायरेक्टली यूज़ है वो हो सकता है। तो आपको मेनली बताना है कि कौन कौन से एनजीओ थे या कौन कौन से ऐसे इंस्टीट्यूट थे जिन्होंने इंडिया की हेल्प की थी। तो इसके बारे में मैंने देखो कुछ पॉइंट हम आपको आंसर राइटिंग में यहाँ पे दे दिए, तो आप उन पॉइंट्स की हेल्प से क्वेश्चन है वो इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। जैसे कि सबसे पहले आप बता सकते हो कि एनजीओ का योगदान क्या क्या था उसमें, कि एक तो फूड के लिए जो एमएस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन था उसका काफ़ी अच्छा योगदान था, हरित क्रांति आई थी, तो वो चीज़ें आप यहाँ पे बता सकते हो। इसके बाद में आप बता सकते हो कि यूनिसेफ है जिसके द्वारा ड्रिंकिंग वाटर के लिए फैसिलिटी वो प्रोवाइड की गई थी। इसके बाद में WHO का योगदान क्या था वो आप बता सकते हो। वर्ल्ड बैंक का क्या योगदान था, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है उसका योगदान बता सकते हो। इसी के साथ जो बिल गेट्स फाउंडेशन फॉर नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए आया था उसका पॉइंट बता सकते हो। और UNDP के द्वारा जो सोशल एंड एजुकेशन के लिए जो प्रोग्राम चले गए हैं यूनेस्को के द्वारा वो पॉइंट्स आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो। और इसी के साथ फीमेल्स के लिए भी आप पॉइंट ऐड कर सकते हो, जिसे बचपन बचाओ मूवमेंट है वो स्टार्ट किया गया था कैलाश सत्यार्थी और उसके जो एनजीओ थे उनके द्वारा। इसी के साथ इन्वायरमेंट के लिए काफी एनजीओ थे जैसे WWF जो इकोनॉमिक एनजीओ था, तो उन सारी चीजों का आप यहाँ पे जिक्र कर सकते हो क्योंकि देखो हमें वो इंस्टीट्यूट बताने जिन्होंने आजादी के बाद हमारे देश को उभरने के लिए काफी अच्छा योगदान है कॉन्ट्रीब्यूशन वो दिया था। तो आई होप आप इजीली इस क्वेश्चन को इन पॉइंट्स के थ्रू आप अटेम्प्ट कर सकते हो। और देखो जो आज का जो PDF है वो एक्चुअली मैं इवनिंग तक अपलोड कर पाऊंगा क्योंकि अभी मैं दिल्ली में नहीं हूं, तो वहां पे मेरा PDF वगैरह का अच्छा फॉर्मेट नहीं है। तो आई होप आपको क्लियर हो, थोड़ा क्लियरिटी वगैरह का इश्यू हो सकता है। तो अभी आप जो जैसा भी फॉर्मेट हो आप यहां से एक बार कर सकते हो, ताकि PDF का जो फॉर्मेट है वो मैं आपको इवनिंग तक प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलते हैं हम आज हमारी एडिटोरियल की तरफ। तो आज का जो पहला आर्टिकल है वो आया है मेनली सीनियर सिटीजन के लिए। तो इस आर्टिकल में बताया गया है कि अभी जो हमारा गवर्नमेंट ने बजट पेश किया है इस बजट में सीनियर सिटीजन के लिए गवर्नमेंट ने क्या प्रावधान किए हैं और क्या वो प्रावधान इनफ है या नहीं है, इसी के साथ गवर्नमेंट को और कौन से नए प्रावधान से वो लेके आने चाहिए। तो देखो आर्टिकल बता रहे हैं स्टार्टिंग में कि सीनियर सिटीजन का मतलब होता है कि वो पर्सन जिनकी एज है वो 60 साल हो गया है, 60 साल से ज़्यादा जिनकी एज है वो आते हैं सीनियर सिटीजन की लिस्ट में। अब देखो आर्टिकल के द्वारा बताया जा रहा है कि जो मैक्सिमम इंडिया में जो सीनियर सिटीजन लोग होते हैं जो मतलब बूढ़े लोग होते हैं वो कहाँ रहते हैं, वो मैक्सिमम तो रूरल एरिया में रहते हैं। मतलब 70% जो ग्राम जो सीनियर सिटीजन लोग हैं वो गाँव के रूरल एरिया में रहते हैं और 30% जो आबादी है सीनियर सिटीजन की वो रहती है शहरों के अंदर। तो अब राइटर के द्वारा कहा जा रहा है कि सीनियर सिटीजन्स की प्रॉब्लम वो देखो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको मेंटल भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, सोशल प्रॉब्लम्स भी काफ़ी सारी होती हैं, कई बार तो उनसे उन्हें घर से अलग रखा जाता है, कई बार उनके फैमिली वाले उनसे अच्छा बिहेव नहीं करते, वो सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे आती है। मतलब उनको काफ़ी मानसिकता पर उनका प्रहार होता है, उन्हें बहुत सी प्रॉब्लम्स उनका सामना करना पड़ता है। फिर देखो आर्टिकल कह रहा है कि गवर्नमेंट उनके लिए फिर भी कोई ना कोई प्रावधान है वो करती रहती है और इस बार के बजट में उनको गवर्नमेंट ने कुछ राहत वगैरह देने की कोशिश की है, तो उनके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो देखो जो सीनियर सिटीजन होते हैं उनकी इनकम कहाँ से होती है, सीनियर सिटीजन की इनकम होने के कुछ सोर्स देख लेते हैं। सबसे पहली बात, एक तो उनकी इनकम होती है कि जब उन्होंने पूरी लाइफ में जो उन्होंने सेविंग की है उस सेविंग का वो कहीं ना कहीं यूज़ कर सकते हैं। तो एक तो सेविंग के द्वारा उनकी इनकम है वो थोड़ी सुनिश्चित की जाती है कि जैसे उनकी पहले सेविंग की हुई है फिर वो बैंकों में जो पैसा उनका डिपॉजिट है उसका उन्हें ब्याज वगैरह मिलता रहता है और उस ब्याज की बदौलत वो अपनी जीविका है वो चलाते रहते हैं। दूसरा ऑप्शन उनके पास ये होता है कि जैसे उन्होंने कोई पेंशन वगैरह कुछ प्लान ले रखा हो तो उनके पास मंथली पेंशन वगैरह आती रहती है, तो उसकी वजह से वो अपने आजीविका वो चलाते रहते हैं। बट अभी देखो क्या है कि सीनियर सिटीजन को भी, क्योंकि देखो सीनियर सिटीजन को जो पेंशन वगैरह मिलती है वो भी उनकी इनकम ही काउंट होती है, तो उनको भी उस चीज़ पर टैक्स पे करना होता है। तो अभी गवर्नमेंट ने देखा कि सीनियर सिटीजन उनको काफ़ी हेल्थ का काफ़ी इशू रहता है, उनके खर्चे काफ़ी ज़्यादा होते हैं नॉर्मल टू यूथ जनरेशन के, तो इसीलिए उनको कुछ राहत दी गई है ताकि उनके खर्चे वगैरह है वो ज़्यादा हो रहे हैं तो उनको मतलब एक तरीके से एग्जेप्शन वगैरह छूट हो मिल सके। तो 2018-19 के बजट में कुछ प्रावधान देखते हैं। देखो एक तो ये बात प्रावधान में ये की गई है कि बैंकों में जो उनका पैसा डिपॉजिट होता है उन पे कुछ ब्याज मिलता है और उस ब्याज रेट में क्या है काफ़ी सस्ती होती है। आजकल आपको पता है कि बैंक को काफ़ी सस्ता मतलब ब्याज रेट काफ़ी कम ब्याज देते हैं कस्टमर को, तो उसकी वजह से कस्टमर को क्या है कि ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता बैंक में पैसा डिपॉजिट करवाते, और इसी वजह से जो सीनियर सिटीजन होते हैं उनके पास भी थोड़ा इनकम का क्या है सोर्सेज कम होते हैं। तो अभी गवर्नमेंट ने कुछ प्रावधान किए हैं कि भाई एक तो उनको टैक्स वगैरह में छूट दे दी गई है कि आप टैक्स में जो भी आपको पैसा मिलता है उसमें आपको एग्जेप्शन दी जाएगी। जैसे कि हम इस चीज़ को
इसे समझ सकते हैं, जैसे आप जानते हो कि कोई भी सैलरीड पर्सन होता है उसको गवर्नमेंट है वो जो सेक्शन 18 सी है उसकी लिस्ट में कुछ छूट देती है कि भाई अगर आप यहाँ यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको उस चीज़ पे टैक्स वो नहीं पे करना होगा। तो उसकी लिमिट होती है 1 लाख तक की छूट है भी सीनियर सिटीजन के लिए, कि आप 1 लाख रुपये अगर इन जैसे हेल्थ के लिए आप खर्च कर रहे हो या फिर किसी म्यूचुअल फंड अगर आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हो तो इन पैसों पर आपको क्या है कि इनकम टैक्स वो पे नहीं करना होता है। गवर्नमेंट ऐसे सेक्शन 18 सी के तहत कुछ प्रावधान बना के रखती हैं, तो उसकी लिस्ट में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो क्या होता है फायदा होता है सीनियर सिटीजन को भी और बाकी लोगों को, बट सीनियर सिटीजन को इसमें छूट ज्यादा देगी है कि आप 1 लाख तक की छूट है वो पा सकते हो। अगली बात आती है कि उन जो टैक्सेबल जो एड जो टैक्स की जो भी उनकी प्राइस लिमिट थी उस टैक्सेशन लिमिट को भी गवर्नमेंट ने भी कम कर दिया है। मतलब ये कहते हैं कि पहले सीनियर सिटीजन को टैक्स को काफ़ी ज़्यादा देना पड़ता था, अब टैक्सन की लिमिट कम कर दी क्योंकि उनके खर्चे वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो एक तो आती है यहाँ पे टैक्स की उन्हें कुछ राहत दी गई है, दूसरी बात ये आती है कि उनके लिए गवर्नमेंट है वो लेके आई थी प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। तो देखो जो प्रधानमंत्री वय वंदना योजना है वो इस बार खत्म होने वाली थी, मतलब 2018 में खत्म होने वाली थी, बट गवर्नमेंट ने इसे कंटिन्यू कर दिया अगले वापस 10 सालों के लिए। गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया? गवर्नमेंट ने ऐसा इसलिए किया है ताकि जो सीनियर सिटीजन है उनको पैसा मिल सके। और प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में ये प्रावधान है कि सीनियर सिटीजन है वो पैसा है वो एक्चुअली पेंशन की फॉर्म में उन्हें कुछ पैसा मिलता रहेगा। मतलब जैसे जब वो जॉब वगैरह कर रहे होते हैं उस टाइम पे वो अपना पैसा है वो मतलब कोई कहीं नहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं या कोई पेंशन प्लान ले सकते हैं। फिर उस पेंशन प्लान के तहत उन्हें क्या होगा, जिस भी कंपनी का उन्होंने पेंशन प्लान लिया है वो पैसा उन्हें धीरे धीरे रिटायरमेंट के बाद थोड़ा थोड़ा पैसा मिलता रहेगा। तो इसमें पैसा क्या दिया जाएगा, पेंशन की फॉर्म में। तो ये चीज़ भी हमें ध्यान रखनी है, मेनली प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। अब यहाँ पे राइटर एक क्वेश्चन उठा रहे हैं, राइटर का ऐसा कहना है कि भाई गवर्नमेंट ने चलो अच्छे स्टेप उठाए हैं कोई बात नहीं है, बट जो मैक्सिमम जो सीनियर सिटीजन है वो तो रूरल एरिया में रहते हैं क्योंकि जो ये गवर्नमेंट ने प्रावधान किए हैं ये तो उनके लिए हैं जो कि शहरों में रहते हैं, शहरों में जो लोग रहते हैं उनके पास ही इनकम होती है तो उनके लिए तो चलो गवर्नमेंट ने अच्छा किया कोई बात नहीं है, बट जो लोग रूरल एरिया में रहते हैं उनका क्या हुआ कि जो मैक्सिमम सीनियर सिटीजन है 70% पॉपुलेशन है वो तो गाँव में रहती है, तो उन सीनियर सिटीजन के लिए गवर्नमेंट ने क्या प्रावधान किया, उनके लिए गवर्नमेंट ने ना तो कोई सोशल वेलफेयर की स्कीम अच्छी चलाई है ना ही उनको प्रॉपर ढंग से फंड दिया है। तो आर्टिकल के द्वारा यही कहा जा रहा है कि फायदा केवल शहर के लोगों को ही क्यों, गांव के लोगों की तरफ गवर्नमेंट ने क्यों नहीं फोकस किया, क्योंकि गांव के लोगों को सबसे बड़ी बात होती है उनको एक तो हेल्थ इंश्योरेंस मतलब हेल्थ कवरेज चाहिए होता है। तो गवर्नमेंट को गांव में जो लोगों को सोशल वेलफेयर की स्कीम्स वो लेके आनी थी, इसी के साथ जो स्कीम्स चल रही हैं पहले से उनमें कहाँ लीकेज हो रहा है गवर्नमेंट को वो चीज़ आइडेंटिफाई करके वो जो फंड की कमी है उस कमी को दूर करना चाहिए। ये राइटर के द्वारा कुछ सुझाव दिए जा रहे हैं। फिर राइटर लास्ट में कह रहे हैं कि देखो राइट टू लाइफ विद डिग्निटी है उसका क्या होगा, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी का ऐसा मतलब थोड़ी कि भैया आप 60 साल तक हो तो अब तक आपको राइट टू लाइफ विद डिग्निटी का अधिकार मिल रहा है, उसके बाद गवर्नमेंट की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, तो ये तो कहीं ना कहीं गलत है। तो राइटर के द्वारा कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट को जो रूरल एरिया में सीनियर सिटीजन रहते हैं उनके लिए भी स्टेप उठाने चाहिए। अब चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल है वो एक्चुअली मालदीव के बारे में है। अब देखो मालदीव की मेनली इसमें इंटरनल पॉलिटिक्स है तो वो देख लेते हैं कि इंटरनल पॉलिटिक्स हमारे लिए इंपोर्ट क्यों होती है। सबसे पहले तो हम वो देखते हैं, देखो मालदीव क्या है, हमारा पड़ोसी देश है और आप जानते हो कि इसकी लोकेशन है वो अरब सागर में, अरब सागर में इसकी लोकेशन है, तो वो हमारे लिए काफ़ी अहम हो जाती है। वो अहम इसलिए हो जाती है क्योंकि एक तो ये हमारे लिए रणनीतिक तरीके से इंपॉर्टेंट है, दूसरा सिक्योरिटी के तरीके से बहुत अहम इंपॉर्टेंट हो जाता है और एक हमारा पड़ोसी देश है। तो इन रीजन्स की वजह से हम कहेंगे मालदीव की अगर इंटरनल पॉलिटिक्स में कुछ भी डिस्टर्बेंस होता है, वहाँ पर कोई भी हेराफेर हो रही है, तो उसका इफेक्ट डायरेक्टली इंडिया पे पड़ता है। तो ये मेनली GS2 के लिए इंडिया के जो पड़ोसी देशों के साथ रिलेशन है वहाँ पे इस आर्टिकल यूज हो सकते हैं। तो एक तो मेनली अरब सागर है बोल सकते हो कि इंडियन ओशियन में सिक्योरिटी के लिए काफ़ी अहम है, दूसरी बात यह है कि अभी चाइना के साथ मालदीव का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ था तो वो भी कहीं ना कहीं इंडिया के हितों के लिए अच्छी बात नहीं है। इसी के साथ अभी आपको बताया रिसेंटली जब लास्ट टाइम सीरिया में अटैक हो रहे थे उस टाइम भी कुछ खबरें आई थी ऐसी या कुछ चीज़ें सबूत मिले थे कि ISIS के जो लोग हैं वो मतलब ISIS के में जो ज्वाइन ग्रुप हो रहे हैं वो एक्चुअली मालदीव के भी काफ़ी लोग हैं वहाँ जाके ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये भी मतलब सिक्योरिटी के लिए कहीं ना रहा है, टेररिज्म बढ़ रहा है, काफी खतरनाक बात है। अब दूसरी बात यहां पे नया पॉइंट आता है वो आता है वहां की लोकल पॉलिटिक्स का। पॉलिटिक्स की बात ऐसी है कि वहां पे जो बेबी प्रेसिडेंट है अब्दुल्ला यामीन जो कि 2013 में प्रेसिडेंट बने थे उनके ऊपर काफी आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, अभी काफी आरोप लग रहे हैं कि भाई उन्होंने काफी फ्रॉड वगैरह किया था, विपक्ष के जो लीडर्स थे उनको उन्होंने जेल में डाल दिया था, मतलब उनको फर्जी केस वगैरह फंसा के, इसी के साथ उन्होंने न्यायपालिका उसको भी मैनिपुलेट करने की कोशिश की है और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है उसको भी वो एक्चुअली उनकी अवहेलना है वो कर रहे हैं। तो ऐसे भी वहां पे क्राइसिस आ रखे हैं। अब बताया जा रहा आर्टिकल में कि देखो अभी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि जो भी पॉलिटिकल कैदी हैं उनको भी रिहा कर दिया जाए, बट इस बात पे आपको पता है कि मालदीव के जो प्रेसिडेंट हैं अब्दुल्ला यामीन उनको मतलब आपत्ति थी और उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया और इस चीज़ की वजह से हुआ क्या वहाँ पे, अभी वहाँ पे संवैधानिक क्राइसिस है वो आ चुके हैं, तो वहाँ पे डेमोक्रेसी है, अगर संवैधानिक क्राइसिस आ रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं हमारी डेमोक्रेसी के लिए भी खतरा हो सकता है, मतलब एक चिंगारी अगर वहाँ लग रही है तो इससे हमारे देश को भी नुकसान हो सकता है क्योंकि हमारा पड़ोसी देश है मालदीव, तो वो हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। तो इसीलिए हम इस
आर्टिकल को हम देख रहे हैं। दूसरी बात, डायरेक्टर कह रहे हैं कि देखो इंडिया की जो प्रभाविता है मालदीप में वो काफ़ी कम होती जा रही है, लगातार कम इसलिए होती जा रही है, एक तो सार्क का मेंबर है मालदीप और आपको पता है कि इंडिया सार्क पे बिल्कुल फोकस नहीं कर रहा है, तो इसलिए अच्छी बात नहीं है। दूसरी बात यह आती है कि अभी भी कोई रिसेंटली कोई ऐसी विजिट भी नहीं हुई है इंडिया की तरफ से बड़ी विजिट जो कि मालदीप के साथ रिलेशन है वो बूस्ट कर सकें। तो आरएटर के द्वारा ये कहा जा रहा है कि भी गवर्नमेंट को वहाँ पर फोकस करना चाहिए, अदरवाइज इंडिया के लिए अच्छी बात नहीं है, सिक्योरिटी के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है, वो हो सकता है। तो ये थी हमने थोड़ा कुछ पॉइंट्स है जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया। अब चलते हम आगे, अगला जो आर्टिकल है वो HPV वैक्सीन के लिए है जो कि GS2 और ये मेनली एथिक्स का जो पेपर है फोर्थ वाला, उसमें केस स्टडी के लिए भी आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है और आज का ये काफ़ी अच्छा आर्टिकल है तो हम इसके बारे में अच्छे से देख लेते हैं। जो HPV वैक्सीन है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन है, यह मेनली जो सर्विकल या जो सर्वाइकल कैंसर होता है उसके लिए होता है, तो इसके मतलब सर्वाइकल कैंसर के लिए वैक्सीन हो बनाया गया है, उसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट हो रहता है। बट राइटर के द्वारा कहा जा रहा है कि देखो काफ़ी ऐसी खबरें हैं, काफ़ी ऐसी मतलब न्यूज़ आ रही हैं कि जो ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन है इसकी वजह से काफ़ी क्या है मतलब बोला जाए कि साइड इफेक्ट इसके बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो उसको लेके ये न्यूज़ है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन है उसके साइड इफेक्ट क्या क्या आ रहे हैं। तो कुछ साइड इफेक्ट में से बताया जा रहा है कि एक तो कॉम्प्लेक्स रीजनल पेन होता है, कॉम्प्लेक्स रीजनल पेन सिंड्रोम होता है, इसमें क्या होता है कि पूरी बॉडी है उसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पेन या मतलब दर्द होता है, एक तो ये साइड इफेक्ट आता है। दूसरा इस्पेड आता होता है क्रोनिक फेटिजी सिंड्रोम, इस सिंड्रोम में ये होता है कि पूरी बॉडी को काफ़ी थकाउट फील करती है। और तीसरा आता है वो आता है पोर्ट्स, तो ये मेनली एक क्या है ये कि टेट्रीकार्डिया सिंड्रोम है जिसकी वजह से क्या होता है कि जब भी इंसान खड़ा रहता है मतलब खड़ा होता है तो उस कंडीशन में उसकी हार्ट बीट वो बढ़ जाती है। तो ये कुछ इस मेडिसिन के साइड इफेक्ट जा रहे हैं। तो एक तो देखो हमें मेडिसिन के बारे में पता होना चाहिए कि HPV वैक्सीन है जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन है वो मेनली सर्वाइकल कैंसर को ठीक करने के लिए बनाया गया और काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट है, बट इसके साइड इफेक्ट क्या क्या है वो हम देख लिए हमने। अब देखो बात यहाँ पर आती है कि जब भी हम इस चीज़ को जानते हैं कि कोई भी मेडिसिन यूज ली जाती है, कोई भी मेडिसिन पब्लिक डोमेन में लाई जाती है तो ऑब्वियसली उसका क्लिनिकल ट्रायल वो किया जाता है। तो राइटर के द्वारा बात उठाई जा रही है कि भाई अगर क्लिनिकल ट्रायल हुआ था तो क्लिनिकल ट्रायल में ये बातें सामने क्यों नहीं आई कि ऐसे साइड इफेक्ट हो सकते हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ तो हुई है ना, इसकी वजह से साइड इफेक्ट सामने नहीं है। तो देखो इसके क्लिनिकल ट्रायल होने के बावजूद ये रिपोर्ट सामने नहीं, इसके क्या रीजन होते हैं? तो देखो राइटर के द्वारा बताया जाता है कि कई बार क्या होता है, कई बार जो भी मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज होती हैं वो क्या करती हैं, क्लिनिकल ट्रायल का पूरा डाटा क्या है जो भी अथॉरिटी होती है उससे रिलेटेड उस अथॉरिटी को नहीं देते, मतलब जहां से उनको क्लियरेंस मिलता है कि भाई ये बॉडी आपको अप्रूव करेगी या जो भी कंट्रोलर है मेडिसिन कंट्रोलर वो अप्रूव करेगा इस मेडिसिन को, वो क्या करती हैं उस कंट्रोलर को पूरी इन्फॉर्मेशन वो देती नहीं है, मतलब जो जो अच्छी चीज़ें हैं वो तो दिखा देती हैं कि हाँ देखो हमने ये टेस्टेड किए हैं, बट जहाँ जहाँ कमी है वो वाली चीज़ें नहीं दिखाती हैं। और उसके बाद क्या है कि जब लोग उसको पब्लिक डोमेन में यूज़ करते हैं तब वो चीज़ें सामने आती हैं कि अच्छा भाई इसमें तो ये गड़बड़ी थी। तो मेन बात ये कह जाती है कि डाटा वो प्रॉपर ढंग से एक तो जो कंट्रोलर है उनको दिया नहीं गया। इसके बाद में एग्जाम्पल दिया जाता है, एग्जाम्पल दिया जाता है कि टेमीफ्लू वैक्सीन के बारे में, जो टेमीफ्लू वैक्सीन है वो मेनली H1N1 जो इन्फ्लुएंजा था उसके लिए बनाया गया था। तो H1N1 के लिए जो टेमीफ्लू वैक्सीन बनाया गया था इसको गवर्नमेंट ने पहले तो अनुमति दे दी थी, मतलब WHO ने इसे अनुमति दे दी थी, बट उसके बाद में पता चला कि भाई जो कंपनी ने यह टेमीफ्लू वैक्सीन बनाया था इसने प्रॉपर जो क्लिनिकल ट्रायल का डाटा था ना, मतलब जितनी भी सारी डिटेल थी ना वो WHO को सबमिट ही नहीं की थी। तो फिर WHO ने इसको कैंसिल कर दिया था कि नहीं भी आप इस मेडिसिन का यूज़ नहीं कर सकते। तो वही बात राइटर कह रहे हैं कि इसका जो पूरा क्लिनिकल ट्रायल का जो डाटा है इस मेडिसिन का HPV वैक्सीन का वो तो पब्लिक डोमेन में नहीं लाया गया, इसकी वजह से ऐसे इफेक्ट हो सकते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि साइड इफेक्ट की, तो देखो कि क्या जरूरी है कि साइड इफेक्ट हुआ है नहीं हुआ, क्योंकि देखो सबसे बड़ी बात यहाँ पे आ रही है कि साइड इफेक्ट की भी तो कोई फाइनल रिपोर्ट नहीं आई है, ऐसा केवल सुनने में आया है कि कुछ कुछ केसेज में पता चला है कि इसके साइड इफेक्ट हो रहे हैं। अब कोई जरूरी नहीं है प्रॉपर एक तरीके इस चीज़ पर भी रिसर्च नहीं हुई है कि हाँ साइड इफेक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि इस पर एक प्रॉपर रिसर्च की जरूरत है, दोबारा एक नीड मतलब एक तरीके से बिना कोई पॉलिटिक्स हुए शांति पर एक रिसर्च होनी चाहिए कि हाँ इसका साइड इफेक्ट है या नहीं है। इसके बाद में बात आती है, एक सबसे बड़ा मुद्दा आता है वो आता है कि अभी हमारी जो गवर्नमेंट है मतलब इंडियन गवर्नमेंट है वो इसे UIP प्रोग्राम, जो यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा प्रोग्राम चलाया गया यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, इस प्रोग्राम में गवर्नमेंट इस मेडिसिन को शामिल करना चाहती है क्योंकि ये दवाई काफ़ी इफेक्टिव है। अब देखो दवाई तो काफ़ी इफेक्टिव है, मतलब दवाई का रिजल्ट तो अच्छा है बट साइड इफेक्ट हो रहे हैं। तो राइटर कह रहे हैं कि देखो दवाइयों के साइड इफेक्ट तो कुछ होते ना रहते हैं, मतलब ऑब्वियसली अगर इतनी हैवी डोज या इतना मतलब इतनी खतरनाक सर्वाइकल कैंसर जैसी बीमारी को ठीक करिए तो साइड इफेक्ट थोड़े बहुत हो सकते हैं, बट इसके लिए सबसे पहली बात तो कि प्रॉपर रिसर्च होनी चाहिए कि साइड इफेक्ट है कैसे और क्या इनका सॉल्यूशन है, और भी कोई सॉल्यूशन इसका हो सकता है।
अब यहाँ पे एथिकल इश्यू क्या आता है GS4 के लिए, वो देखते हैं। अब देखो यहाँ पे एथिकल इश्यू सबसे बड़ा आता है कि एक तो जो मेडिसिन है गवर्नमेंट है इंडियन गवर्नमेंट, वो इसे यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत शामिल करना चाह रही है, क्योंकि हमारे देश में मिलियंस ऑफ गर्ल्स हैं, उनकी लाइफ का सवाल है, भी उनको सर्वाइकल कैंसर का काफ़ी बड़ा खतरा रहता है। तो इसीलिए गवर्नमेंट चाहती है कि अगर उनको ये वैक्सीन दिया जाए तो हमारे देश में जो मतलब एक तरीके से हेल्थ है उसको सिक्योर है, वो किया जा सकता है। दूसरा मुद्दा यहाँ पे आता है एथिकल, वो आता है कि भाई इस मेडिसिन के साइड इफेक्ट भी हैं, तो उस कंडीशन में क्या किया जाए। एक साइड तो राइट टू लाइफ वाला कंडीशन हो रही है, और एक साइड ये कि भैया आप ज्यादा बीमार हो जाओगे, मतलब बहन बाप ये देख सकते हो। तो राइटर ये कह रहे हैं, राइटर का ऐसा तरक है, अपने राइटर का तरक बता रहा हूं मैं आपको फिर भी, कि राइटर मानना है कि भाई देखो साइड इफेक्ट है वो तो रेयरली होगा, कोई जरूरी नहीं है कि सभी लोगों को साइड इफेक्ट हो रहा है। क्योंकि देखो अगर गवर्नमेंट को बड़ा टारगेट अचीव करना है, हमारी गवर्नमेंट को इंडियन गवर्नमेंट को, तो छोटा मोटा नुकसान है थोड़ा बहुत एडजस्ट तो करना पड़ेगा। क्योंकि देखो अगर लाखों करोड़ों लोगों की अगर जानें बचानी है, उस कंडीशन में अगर छोटा मोटा साइड इफेक्ट हो रहा है वो तो जेन्युइन सी बात है। क्योंकि अगर कोई भी हैवी डोज या पहले भी कोई मेडिसिन लेते हैं तो उनके बेसिक साइड इफेक्ट तो होते हैं, और ऑब्वियसली अगर इतने बड़े कैंसर का ट्रीटमेंट कर रही है तो जैसे कि थकावट आना, हार्ट बीट बढ़ना है, तो बेसिक रीजन से ऐसा हो सकता है। फिर दूसरी बात यहाँ पे दी जाती है, एक एग्जांपल दिया जाता है राइटर के द्वारा। राइटर कहते हैं कि देखो जैसे गवर्नमेंट ने पोलियो का जब वैक्सीन बनाया था, उस वैक्सीन में ऐसा होता है कि लाखों में से एक केस में क्या होता है कि उस वैक्सीन की वजह से पोलियो हो भी जाता है। मेनली वैक्सीन होता है पोलियो को कि पोलियो ना हो, बट क्या होता है कई बार इस वैक्सीन की वजह से पोलियो हो जाता है अगर किसी में नहीं हो रहा हो तो भी। तो होता क्या कि लाखों में एक केस ऐसा होता है कि जिसमें क्या होता है कि क्रॉस फायर, मतलब एक तरीके से क्रॉस एक्शन हो जाती है, कि मतलब दवाई है वो गलत तरीके से इफेक्ट कर देती है। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि गवर्नमेंट को ये चीज़ बैन कर देनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश में गवर्नमेंट ने पहले भी तो पोलियो के लिए मेडिसिन चलाई है ताकि मैक्सिमम लोगों की जान बचाई जा सके। मतलब यहाँ पे बात तो आती है कि अगर 100 लोगों की जान बच रही है, अगर 1 लोग की जान जा रही है, तो मान लीजिए गवर्नमेंट को जान बचानी चाहिए, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो राइटर ये कह रहे हैं कि देखो गवर्नमेंट को इस मेडिसिन का यूज करना चाहिए, बट इसके लिए जो पहले रिसर्च है वो कंफर्म कर लेनी चाहिए कि भाई इसके साइड इफेक्ट है या नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें ये सिक्योर करना है, उसके बाद में हमें आगे स्टेप हम उठाने हैं। अब चलते हैं हम अगले आर्टिकल की तरफ। अगला जो आर्टिकल है वो मैंने लिया था रोहिंग्या रिफ्यूजीज के बारे में। तो देखो इस आर्टिकल में मैंने 2-3 पॉइंट है। सबसे पहली बात तो एक तो हमें पता होना चाहिए कि रोहिंग्या रिफ्यूजीज हैं कहाँ। रोहिंग्या रिफ्यूजीज आपको पता है कि म्यांमार का जो रखाइन प्रांत है उस एरिया में रोहिंग्या रिफ्यूजीज है वो रहते हैं, और उस वाले एरिया में मैंने लिए प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है। तो रोहिंग्या रिफ्यूजीज उस एरिया में ही रहते हैं, और उस एरिया में अभी आपको पता है कि म्यांमार की गवर्नमेंट है जो मिलिट्री है उसने भी इनका एक तरीके इनको हटाना वहाँ से शुरू कर दिया था, इनके ऊपर हमले वगैरह कर रहे थे। उस कंडीशन में ये मामला काफ़ी न्यूज़ में आया था, हमने ये चीज़ें काफ़ी पहले डिस्कस की हुई हैं। तो अब देखो ये न्यूज़ में क्यों आया वापस, वो न्यूज़ में इसलिए आया है कि अभी सुप्रीम कोर्ट में इसका केस चल रहा था इंडियन गवर्नमेंट की, भाई रोहिंग्या रिफ्यूजीज को इंडिया में मतलब शरण दी जाए नहीं दी, उस चीज़ का मुद्दा था। तो जो सोलिसिटर जनरल हैं उनके द्वारा ऐसा कहा गया कि भाई रोहिंग्या इंडिया है वो रिफ्यूजी कैपिटल नहीं बन, इंडिया को अभी रिफ्यूजी कैपिटल है वो नहीं बनने देना है। मतलब रोहिंग्या रिफ्यूजीज हैं उनको इंडिया में अलाउ नहीं करना चाहिए। इससे होगा क्या, इससे बाकी जो और रिफ्यूजीज हैं और कंट्रीज में वो क्या इंडिया की तरफ आएंगे कि अच्छा अच्छा इंडिया तो उनके लिए अच्छा अड्डा बन जाएगा, तो इंडिया में क्या एक तरह की रिफ्यूजीज की समस्या और ज़्यादा हो जाएगी, और इंडिया खुद ही भी काफ़ी प्रॉब्लम से जूझ रहा है। तो इसीलिए इस कंडीशन में सिक्योरिटी का खतरा भी रहता है, और गवर्नमेंट इनके लिए इतनी स्कीम वगैरह कहाँ से कहाँ चला पाएगी, तो इसलिए रिफ्यूजीज को इंडिया में नहीं आना देना चाहिए। बट राइटर का ऐसा कहना है कि भाई ये बात तो गलत है, आपने आज़ादी के टाइम पे भी लोगों को अलाउ किया था रिफ्यूजीज की फॉर्म में, जैसे कि पाकिस्तान से जब आज़ादी हुई थी उस टाइम पे पाकिस्तान से जो रिफ्यूजीज आए थे उनको अलाउ किया था, बांग्लादेश से रिफ्यूजी आए थे उनको अलाउ किया था, तिब्बत से जो रिफ्यूजीज आए थे उनको अलाउ किया था, इवन जो पारसी लोग आए थे ईरान से उनको भी जब इंडिया में आए थे उनको अलाउ किया गया था। मतलब पहले तो आपने रिफ्यूजीज को अलाउ किया, और जब आज आप जब बात आती है रोहिंग्या रिफ्यूजीज की जिनको पूरे वर्ल्ड में एक्चुअली मतलब उनका तिरस्कार किया जा रहा है, तो उनके लिए आप मना कर रहे हो। इसका मतलब ये है या तो आप पहले गलत थे या फिर आप अब गलत हो। तो कहीं ना कहीं तो आप इंडिया मतलब कहा जा रहा है राइटर के द्वारा कि या तो पहले गलत था गवर्नमेंट या अभी गवर्नमेंट के द्वारा गलत है। दूसरी बात यह आती है गवर्नमेंट राइटर के द्वारा कि भाई गवर्नमेंट ने कोई कानून नहीं बनाया अभी। सबसे पहली बात राइटर का कहना है कि गवर्नमेंट ने ऐसा कोई कानून नहीं पास किया है कि रोहिंग्या रिफ्यूजीज को नहीं आने देना है, तो इसलिए सोलिसिटर जनरल को ऐसा नहीं करना चाहिए। अगली बात यह आती है कि हमारा कल्चर काफी सॉफ्ट है, और हमारे कल्चर में ऐसी कोई वैल्यू नहीं है कि भाई हम किसी को तिरस्कार करें, तो इसीलिए समस्या का समाधान है वो करना होगा, और इस तरीके से नहीं करना चाहिए कि भाई रिफ्यूजीज को अलाउ नहीं करना होगा, क्योंकि हमारे देश की सॉफ्ट पावर काफी अच्छी रही है, तो उन चीजों को भी गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए थी। ये है हमारा कंप्लीट आर्टिकल जो हमने आज यहां पर डिस्कस किया। एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या पॉइंट है वो डिस्कस किए। सबसे पहले हमने देखा कि जो क्वेश्चन था कि NGO और जो काफ़ी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट हैं उनका क्या योगदान था, तो वो कुछ बेसिक पॉइंट थे वो मैंने आपको यहाँ पे बताए। इसके बाद में अगला आता है सीनियर सिटीजन का। तो देखो सीनियर सिटीजन के बारे में हमने देखा कि इस बार के बजट में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, उनको बैंकों में जो पैसा उनका डिपॉजिट होता है उन पर जो इंटरेस्ट मिलता है उस पर गवर्नमेंट ने कुछ छूट दी है। इसके साथ जो पैसा कि वो इन्वेस्ट कर सकते हैं उस पर भी गवर्नमेंट ने उनको छूट दी कि भी आप पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हो, आपको उस चीज़ पर टैक्स वो नहीं देना होगा। इसके बाद में हमने देखा कि गवर्नमेंट ने उनके लिए प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की थी, जिसमें ये था कि पैसा उनको पेंशन की फॉर्म में मिलता रहेगा धीरे धीरे। बट इसके बाद में मुद्दा आया था कि भाई रूरल एरिया के जो लोग हैं, रूरल एरिया के जो सीनियर सिटीजन है ग्रामीण एरिया में, उनका क्या होगा। गवर्नमेंट ने शहर वालों के लिए तो प्रावधान कर दिया, बट गांव के लोगों का क्या होगा।
इसके बाद में हमने देखा कि मालदीप के बारे में, कि मालदीप में अभी संवैधानिक क्राइसिस वो आ चुके हैं, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस किस लिए आई वो हमने पूरा पॉइंट्स देखा, कि वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं अब्दुल्ला यामीन उन पर काफ़ी आरोप लग गया कि भाई उन्होंने विपक्ष के लोगों को काफ़ी परेशान किया, और चाइना की उनकी नज़दीकियाँ बढ़ती जा रही हैं, तो वो इंडिया के लिए अच्छी बात नहीं है, और इंडिया है वो म्यांमार इंडिया मालदीप पर फोकस वो कम करता जा रहा है। इसके बाद में हमने देखा HPV वैक्सीन, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन, जो कि सर्वाइकल कैंसर को ठीक करने के लिए होता है। सर्वाइकल कैंसर किस लिए होता है? यह होता है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वजह से, तो ये वायरस जनित एक रोग है। इसके साइड इफेक्ट हमने देखे, इसके बाद हमने देखा कि क्या एथिकल इश्यू, वो हमने चीज़ डिस्कस की, और इसके बाद हमने देखा कि क्या इंडियन गवर्नमेंट को इसे अलाउ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसके बारे में हमने एग्जाम्पल देखा कि गवर्नमेंट ने पहले भी एक पोलियो की दवा है जिसका साइड इफेक्ट था, बट उसके बाद भी गवर्नमेंट ने उसे अलाउ किया, तो अभी ऑब्वियसली इसे भी अलाउ करना चाहिए, तो वो कंप्लीट एथिकल इशू देखा। इसके बाद में हमने रोहिंग्या रिफ्यूजीज का मुद्दा देखा कि भाई रोहिंग्या रिफ्यूजीज की समस्या क्या है। तो ये थी आज की हमारी कंप्लीट द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन। आज की डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।